नमस्कार, मैं हूं परवीन पठान और बहुत ही स्वागत है आपका समाचार इंडिया न्यूज में। आइए शुरू करते हैं आज की खबर। मांडा प्रयागराज विध्यांचल की सुनीता सरोज को मांडा थाना में फोन करके बुलाया गया 164 का बयान कराने के लिए। तभी मांडा थाना आने पर अशोक शुक्ला के बेटे व तीन अज्ञात आदमी महिला को जान से मारने की धमकी देने लगे और उसके साथ बदतमीजी करने लगे। मांडा थाना में इसकी लिखित सूचना दी गई। यशो का कहना है कि जांच कर कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? सुनीता सरोज। क्या नाम है? सुनीता सरोज। अच्छा, कहाँ की रहने वाली हो? विंध्याचल की। विंध्याचल की। क्या मामला है आपका? वो चंदन शुक्ल ने हमारे इज्जत के साथ बलात्कार के प्रयास किया और हम मांडा थाने से एप्लीकेशन दिए थे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, थाने गई थी? हाँ। क्या हुआ? गए थे, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई, तो वहाँ हमारे पीछे दो चार लोग, दस लोग पढ़ के मारने की धमकी दे रहे थे। अच्छा, थाने पर और कोई कुछ कह रहा था? हाँ, राजकुमारी पांडे जी। क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि तुम फंस गई हो और करे 1,00,000 रुपए ले लो, हम समझौता करवा देंगे। अच्छा, थाने पर राजकुमारी पांडे ने कहा कि 1,00,000 रुपए ले लो, हम समझौता करा देंगे। हाँ। चलिए ठीक है। आपने और एसएसपी साहब से मिला? अभी तक नहीं। मांडा प्रयागराज से संवाददाता उमेश चंद्र सोनी की रिपोर्ट, समाचार इंडिया न्यूज, मांडा प्रयागराज।